फ्रेंड्स, आई एम रोहित खेरा। ऑल एग्जाम प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिलोजिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे आप बिना पेन और पेपर के इसे माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सॉल्व कर लेंगे। और पहले तो बता दूँ, सिलोजिज्म जो है IBPS, PO, जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं, क्लर्क, SBI, इंश्योरेंस सेक्टर के, LIC, तो इस सब में पूछा जाता है। और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते ही हैं, 5 मार्क्स के। तो आप 1.5 मिनट में 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, अगर ये मेथड आपने सीख ली। बहुत ही इजी मेथड है, तो ये आपको मैं बताऊंगा। आप सबसे पहले बेसिक में बता देता हूं, सिलोजिज्म को सॉल्व करने की वैसे 3 मेथड होती हैं। पहला तो वीन डायग्राम होता है, दूसरा AEIO मेथड होती है, थर्ड जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, टिक मेथड जिसे कहते हैं। ये कैट की कोचिंग क्लास में पढ़ाई जाती है और कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिलोजिज्म, बहुत मार्क्स का आता है। तो ये हो गया। अब मैं जो मेथड पढ़ाऊंगा वो AEIO और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कॉम्बिनेशन होगा। इसको अपन UP-UN मेथड कहेंगे। ओके, UP-UN मेथड। तो अब सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं सिलोजिज्म का, कि बेसिक्स में क्या होता है, बेसिक क्या होता है। तो बेसिक में क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या होता है वर्सेस प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए तो ये देखते हैं पहले। अब देखिए, जैसे ऑल कैट आर डॉग, ये दिया हुआ है। इसमें जो कैट है वो सब्जेक्ट है, डॉग जो है प्रेडिकेट है। सेम और देख लेते हैं, सम डॉग आर बर्ड्स, ये इसमें भी डॉग क्या है, सब्जेक्ट है और बर्ड प्रेडिकेट है। उसके बाद नो बर्ड इज अ पिग, ये क्या है, प्रेडिकेट है और बर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है। और लास्ट सेंटेंस जो है, सम पिग्स आर नॉट बर्ड्स, इसमें भी देख लीजिए ये क्या है, प्रेडिकेट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो शुरू में रहता है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आप स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। आप जैसे ये ऑल और ये सम, ओके, उसके बाद कुछ भी होगा, ए बी कुछ भी होगा, यहाँ पे कैट डॉग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आर होता है और आर नॉट होता है, आर नॉट, यहाँ पे भी नॉट लग, आर नॉट होता है। तो इस टाइप का यहाँ पे प्रेडिकेट होगा, सी डी ओ कुछ भी होगा, ठीक है। तो अब ऑल ए आर डी, तो ये जो सेंटेंस कहलाता है यूपी कहलाता है, मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल पे ऑल कैट्स आर डॉग, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ऑल से स्टार्ट हो रहा है यानी सब कुछ आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूपी। ओके, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम, उसके बाद देखते हैं सम डॉग्स आर बर्ड्स। अब देखिए ये सम से चालू हो रहा है, तो सम यानी कुछ पर्टिकुलर चीज है, पूरा नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे पर्टिकुलर पॉजिटिव पीपी, क्योंकि यहां पे नॉट नहीं लगा, इसलिए पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये हो गया। अब थर्ड देखते हैं, नो बर्ड इज अ पिग, इसमें आगे नो लगा है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, तो ये जो सेंटेंस होगा यूनिवर्सल नेगेटिव होगा, यूपी कहेंगे, यूएन कहेंगे इसे, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, सम पिग्स आर नॉट बर्ड्स, इसमें यहां नेगेटिव है और ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं
यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये अपन को इसका फॉर्मेट याद रखना है क्या रहता है। ओके, तो ये चीज हो गया बेसिक, बिल्कुल स्टेटमेंट का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम कुछ यूनिवर्सल पॉजिटिव और वर्ड्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल के अंदर क्या क्या वर्ड्स आते हैं, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ओके, तो वो देख लेते हैं, जैसे ऑल, एवरी, एनी, नन, सिंगल, नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल, ओनली। तो ये जो होते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव वर्ड के अंदर आता है, टोटल ये यूनिवर्सल वर्ड हो गए। अब पर्टिकुलर वर्ड देख लेते हैं क्या होते हैं, पर्टिकुलर में देख लेते हैं क्या क्या होता है। पर्टिकुलर में सम, मैनी, अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, नॉट मैनी, वेरी लिटिल। ओके, तो ये इस टाइप के होते हैं। तो ये जो कहलाते हैं पर्टिकुलर वर्ड हैं, तो इसको अपन को रिमेम्बर रखना है बिल्कुल, कि कोई भी इनमें से आएगा तो अपन को पहचान सकें कि कौन सा यूनिवर्सल है और कौन सा पर्टिकुलर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं बता देता हूँ, सिलोजिज्म जो है बैंकिंग सेक्टर में 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट पूछता है, सीसेट में 3 to 2 स्टेटमेंट पूछता है, एसएससी में 2 स्टेटमेंट भी आ जाता है। 2 स्टेटमेंट कैसे, जैसे एग्जांपल है सम ए आर बी, सम सी आर डी, ये 2 स्टेटमेंट दिए होंगे और नीचे 2 कंक्लूजन दिए होंगे, पूछेगा कौन सा सही है। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गया, इसमें 1 स्टेटमेंट और ऐड कर देंगे तो 3 स्टेटमेंट हो गया, और 1 और ऐड कर देंगे तो 4 स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल वो है, अभी लेटेस्ट IBPS PO मेंस में जो पूछा गया है सिलोजिज्म, तो उसमें उल्टा पूछा गया है, मतलब आपको कंक्लूजन दे दिया था, अब पूछ रहा था स्टेटमेंट कौन से ये कंक्लूजन होगा। ओके, तो ये बहुत इजीली है, आप इजी इसको कर सकते हैं इस मेथड से भी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इसका। पहली बात तो जब भी आप कंक्लूजन बनाएंगे तो ये जो फॉर्मेट होगा वो एक साइकिल में होना चाहिए, जैसे ए के बाद बी है पहले स्टेटमेंट में, फिर दूसरे में बी के बाद सी है, फिर सी के बाद डी है, तभी इस 2 सेंटेंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है यूपी, दूसरा दिया है यूपी, मींस ऑल ए आर बी, फिर दूसरा सेंटेंस दिया है ऑल बी आर सी, तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वो एक ही उसमें होना चाहिए, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। नहीं है तो उसको अपन कर सकते हैं इधर उधर, वो में हम देखेंगे वो कैसे करेंगे। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स इतना अभी। अब हम देखते हैं सॉरी, अब जैसे ए के बाद बी दिया है लेकिन दूसरे सेंटेंस में सी के बाद बी दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा ए के बाद बी, फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा बी के बाद सी। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है यूपी में, यूएन में, पीपी में और पीएन में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके,